रानी पंचायत समिति के कीरवा में दुकान में सोए सेल्समैन पर किया हमला, नकदी और मोबाइल लूट कर आरोपी हुए फरार। रानी पंचायत समिति के कीरवा गांव के समीप फोरलेन पर देर रात को शराब दुकान में सो रहे एक सेल्समैन पर बाइक पर सवार होकर पहुंचे तीन लोगों ने जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी दुकान से नकदी समेत मोबाइल लूटकर फरार हो गए। आरोपी दुकान से जाते वक्त एक शराब की बोतल भी अपने साथ ले गए। खून से लथपथ सेल्समैन किसी तरह से एक होटल पर पहुंचा, वहां से उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में जाकर भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौका मुआयना कर सेल्समैन के बयान लेकर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस के अनुसार सासोड़ी निवासी विजय सिंह पुत्र बैरू सिंह कीरवा के समीप फोरलेन पर स्थित शराब की दुकान पर सेल्समैन है। वह हमेशा की तरह अपनी दुकान को नियमित समय पर बंद करने के बाद अंदर से कुड़ी लगाकर सो रहा था। इस दौरान बाइक पर सवार होकर पहुंचे तीन युवकों ने लोहे के सरिये से कुड़ी को खोलकर अंदर प्रवेश कर उसी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी वहां से गले में रखी नकदी और उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गए। उसके बाद रात में ही ठेकेदार को घटना के बारे में जानकारी दी गई। भाजपा जिलाध्यक्ष मंचाराम परमार और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोहर कंवर राठौर के निर्देशानुसार भाजपा महिला मोर्चा बिजोवा मंडल अध्यक्ष मंजू कंवर शेखावत ने अपनी कार्यकारिणी का गठन करते हुए उपाध्यक्ष पद पर सुखी देवी देवासी, सूरज कंवर सीता मालवीय, महामंत्री पद पर जमुना देवी सिसोदिया जमुना देवी सीरवी, मंत्री पद पर बदिया मीणा छंसल कंवर, पूजा कंवर रंजन कंवर, मीडिया कर्मी मानवी राजपुरोहित, आईटी प्रभारी नर्मदा मेघवाल, कार्यकारिणी सदस्य ममता वादी शांति मेघवाल, दशरथ कंवर संपा देवी सीरवी, विमला देवी संगीता लोहा, सुखी देवी उर्मिला कंवर, लीला देवी वैष्णव आदि को नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को पूर्व विधायक केसराम चौधरी, बिजोवा मंडल अध्यक्ष हरीश चौधरी सहित भाजपा पदाधिकारियों द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई। चैत्र में अगले 36 घंटे में फिर होगी तेज सर्दी, मौसम विभाग की चेतावनी। राजस्थान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अभी पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहने के कारण आज रानी उपखंड क्षेत्र में 100 फुट पर भी दिखाई नहीं दिए लोग, और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दिनों के भीतर क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसका असर आज रेलगाड़ियों और वाहन चालकों के ऊपर भी पड़ा। धीमी गति के साथ लाइटें जलाकर चलाना पड़ा। स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह सर्दी से बचाव को लेकर अलाव तापते नजर आए और वाहन चालकों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा, और पूरे दिन घना कोहरा छाया रहने के कारण लोगों को और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रानी जैन एग्रीगो के पास खड़ी खालसा मोटर्स की बस में सवेरे शनिवार करीब 5 बजे आग लगने से बस जल गई थी, जिसको लेकर आज क्रेन की सहायता से वहां से हटवाया गया। रानी थानाधिकारी हिंगलाज दान ने बताया कि बस फालना से रानी 7:30 बजे सवारी लेकर रानी आई थी। सुबह वापस 7 बजे के करीब यह फालना सवारी लेकर जाती है। अल सुबह अचानक आग बस में लगने से स्थानीय रहवासियों द्वारा पहले पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया था, उसके बाद फालना से आई फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया गया था। आज क्रेन की सहायता से बस को हटवाया गया। रानी में नहीं है अग्निशमन वाहन। रानी नगरपालिका क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में रानी में आवागमन होता है, लेकिन रानी में अग्निशमन वाहन नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार द्वारा अग्निशमन वाहन रखने और स्टाफ के लिए भवन तो बना दिया, लेकिन आज दिन तक अग्निशमन वाहन नहीं दिया गया है। पूर्व में आवंटित छोटी अग्निशमन वाहन कोरोना काल में केमिकल छिड़काव के कारण काम में ली गई थी। रानी पंचायत समिति के नवीन ग्राम पंचायत पिलौनी के भवन की स्वीकृति हेतु सरपंच किशोर सिंह राजपुरोहित सहित दर्जनों ग्रामीणों ने
पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा से मुलाकात कर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में नवीन ग्राम पंचायत भवन की मांग की गई। सरपंच किशोर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सन 2019 में किए गए पंचायतों के पुनर्गठन में पाली जिले में 20 नई पंचायतों और एक पंचायत पिलोनी पंचायत समिति रानी का पुनर्गठन किया गया था। चुनाव आयोग के आदेश अनुसार चौथे चरण में सितंबर 2020 में पुनर्गठित ग्राम पंचायत पिलोनी के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। जिला परिषद पाली द्वारा नवगठित 20 पंचायतों में नवीन ग्राम पंचायत भवन की स्वीकृति सन 2020 में जारी कर दी गई, परंतु एकमात्र पुनर्गठित ग्राम पंचायत पिलोनी जिला पाली के नवीन ग्राम पंचायत भवन की स्वीकृति नहीं निकल पाई, जिसके कारण मजबूरन स्कूल के कमरे में टेबल लगाकर कार्य करना पड़ रहा है। राजपुरोहित ने कहा कि पुनर्गठित ग्राम पंचायत पिलोनी की नवीन ग्राम पंचायत भवन की स्वीकृति शीघ्र जारी करवाने की मांग की गई। मंत्री मीणा ने राजपुरोहित को शीघ्र भवन बनाने का आश्वासन दिया। डारिया सिंचाई परियोजना जल उपभोक्ता संगम प्रादेशिक संख्या 06 में चुनाव प्रभारी विमला कुमारी की देखरेख में इटंद्रा मेटियान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दो बूथों पर चुनाव संपन्न हुए। लगभग 2000 मतदाताओं में से 628 मतदाताओं ने अध्यक्ष और 113 मतदाताओं ने टीसी मेंबर के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव प्रभारी ने बताया कि डारिया सिंचाई परियोजना जल उपभोक्ता संगम प्रादेशिक संख्या 06 में ढारिया लघु सिंचाई परियोजना के तहत कमेटी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मोहन सिंह भाटी और भोपाल खान ने आवेदन किया था, जिसका मतदान हुए, जिसमें मोहन सिंह भाटी को 446, भोपाल खान को 154 मत मिले, जिसमें मोहन सिंह भाटी विजयी रहे। इसी प्रकार वार्ड नंबर 1 से 8 टीसी मेंबर निर्विरोध चुने गए। वार्ड नंबर 9 में मतदान हुआ, जिसमें रिजवान खान को 39 मत और अक्रम खान को 65 मत मिले, जो 9 मत खारिज हुए, जिसमें अक्रम खान विजयी हुए। पहली बार चुनाव क्षेत्र के कमांड क्षेत्र के किसानों के लघु सिंचाई कमेटी के चुनाव क्षेत्र में पहली बार होने से ग्रामीण में खुशी का माहौल रहा।